नमस्कार मित्रों, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे आगे क्या होने जा रहा है। ऐसा क्या कहा अध्यापक ने क्लास में जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। एक एयर होस्टेस जब विमान में पहुंची तो देखिए क्या होता है। ऐसी अभिनेत्रियां जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती है, क्या आप जानते हैं उन्हें? हमारे अभिनेता तब और अब। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अपनी बात की शुरुआत किस तरह से कर रहा हूं। हाँ, ये कुछ ऐसे शीर्षक हैं जो इंटरनेट पर जब हम कोई सामग्री पढ़ते हैं तो इसी तरह के शीर्षक आप अक्सर देखते होंगे, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने ये भी महसूस किया होगा कि इस तरह की कोई बात उसके कंटेंट में नहीं है। यदि आपके साथ हुआ है तो फिर मैं यह कह सकता हूं कि आप भी क्लिक बैट जर्नलिज्म के शिकार हुए हैं। क्लिक बैट, बैट मतलब जाल। आपने देखा होगा ना कि समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए हम एक जाल डालते हैं। जाल अर्थात उस जाल के माध्यम से उस मछली के लिए एक ऐसी खाद्य सामग्री या चारा हम उसमें रख देते हैं जिससे मछली प्रलोभन में आकर के फंस जाती है। जी हाँ, क्लिक बैट जर्नलिज्म भी एक ऐसी ही जर्नलिज्म है जो आपको लोभ लालच या प्रलोभन में क्लिक करने के लिए मजबूर करती है। यही क्लिक बैट जर्नलिज्म ऑनलाइन पत्रकारिता का आधुनिक स्वरूप है। इसकी शुरुआत आज हुई हो ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत तो 19वीं सदी में हो चुकी थी जब न्यूयॉर्क के दो बड़े समाचार पत्र समूहों के मालिक पुलित्जर और हर्स्ट ने पीठ पत्रकारिता के माध्यम से इस तरह की सेंसेशनल जर्नलिज्म या सनसनीखेज पत्रकारिता की शुरुआत कर दी थी। क्लिक बैट जर्नलिज्म उसका अधुनातन स्वरूप है। क्लिक बेट पत्रकारिता, जिसे आप लुभावनी पत्रकारिता भी कह सकते हैं, आधुनिक मीडिया की एक उभरती हुई प्रवृत्ति है। इस तरह की पत्रकारिता की मुख्य प्रवृत्ति है कि अधिक से अधिक क्लिक प्राप्त किए जाएं। येन केन प्रकारेण हम इंटरनेट यूजर को क्लिक करने के लिए बाध्य करें, हमारी वेबसाइट पर, YouTube के वीडियो पर, ताकि हमारे को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। उसके पीछे कोई सटीक तथ्यात्मक या सही जानकारी देने का उद्देश्य नहीं होता है। इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जो सामग्री हम वेबसाइट के माध्यम से दे रहे हैं, वो कितनी विश्वसनीय है, कितनी प्रामाणिक है, कितनी विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। इस तरह की प्रवृत्ति आज इस डिजिटल मीडिया के युग में बहुत तेजी से बढ़ जा रही है। हमारी कोशिश होने लगी है कि ऑनलाइन समाचार वेबसाइट्स पर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अधिक ट्रैफिक को प्राप्त करने के लिए और अपनी रीडरशिप को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते जाएं। यही क्लिक बैट जर्नलिज्म है। डिजिटल युग में पत्रकारिता ने एक नया मोड़ ले लिया है। समाचारों की खपत का तरीका बदल गया है, समाचारों के प्रस्तुतीकरण का तरीका बदल गया है, और इसी मनोविज्ञान ने क्लिक बैट जर्नलिज्म के विकास को, उदय को प्रोत्साहित किया है। क्लिक बैट हेडलाइंस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि पाठक उसको पढ़ने के लिए बाध्य होकर वहां क्लिक कर दे। ये सुर्खियां मुख्य रूप से अतिरंजित होती है, भावनात्मक होती है, भ्रामक होती है। यह सुर्खियां, ये शीर्षक पाठक को भ्रमित करते हैं, उसकी जिज्ञासा और उत्सुकता को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए,
आप इस महिला के संघर्ष को जानकर चौंक जाएंगे। यह ट्रिक आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। क्या आप कैंसर की बीमारी के बारे में यह 10 तथ्य जानते हैं आदि आदि। और जब इन खबरों को आप पढ़ेंगे तो अंत में आपको निराशा मिलेगी। ऐसी कोई सामग्री उसमें नहीं मिलेगी जिसे पढ़ने के लिए आप शीर्षक को देख करके प्रवृत्त हुए थे। लेख की जो सामग्री है वो उस सुर्खियों से या शीर्षकों से मेल नहीं खाती है। क्लिकबेट जर्नलिज्म का मनोविज्ञान यही है कि व्यक्ति जब जिज्ञासा के कारण इंटरनेट का उपयोग करना शुरू करता है, कुछ सामग्री की तलाश करता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर उसकी इसी जिज्ञासा को आधार बना करके ऐसी ऐसी जानकारियां देने का प्रयास करते हैं जो अपुष्ट स्रोतों पर आधारित होती है। यह क्लिकबेट हेडलाइंस हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को टारगेट करते हैं। अत्यधिक आश्चर्यजनक मजाकिया सुर्खियां व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार उसे उकसाने लगती है और हमें उस लिंक को क्लिक करने के लिए प्रेरित करती है। परंपरागत पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सटीक, सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। इस प्रक्रिया में मीडिया कर्मी की यह कोशिश होती है कि वे अपने टारगेट ऑडियंस को सही और तथ्यात्मक सूचना दें। इस लोकतांत्रिक समाज में एक स्वस्थ विचार विमर्श को प्रोत्साहित करें। पत्रकारिता के उन मानदंडों पर वो पत्रकारिता एक बड़ी सीमा तक खरी उतरती है, लेकिन क्लिकबेट पत्रकारिता का इन मानदंडों या इन कसौटियों से कोई लेना देना नहीं है। क्लिकबेट पत्रकारिता में गहराई और विश्लेषण का अभाव होता है। इस तरह की जो जानकारी होती है वह अपूर्ण होती है, अधूरी होती है। उसका कोई लाभ पढ़ने वाले को नहीं होता है, बल्कि वो कहीं और अधिक भ्रमित हो जाता है। पाठक के मन में गलत तरह की धारणाएं उत्पन्न हो जाती है। पाठक की यौन कुंठाओं को भी इस तरह की हेडलाइंस कहीं कैश करने की कोशिश करती है। आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में क्लिकबेट हेडलाइंस अक्सर इस तरह के शीर्षक देते हैं जिससे आम पाठक पढ़ने के लिए, क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। सनसनी फैलाने का काम उससे किया जाता है। इसी तरह के वीडियोस भी हमें YouTube पर मिलते हैं, विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न संबंधी घटनाओं में क्लिकबेट पत्रकारिता का एक ऐसा स्वरूप हम देखते हैं जो किसी भी तरह से हमारे सामाजिक और नैतिक मानदंडों की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है। क्लिकबेट पत्रकारिता समाचारों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उसका प्रभाव व्यापक और गंभीर होता है। क्लिकबेट पत्रकारिता जो तथ्यात्मक पत्रकारिता है, कहीं न कहीं उसे भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इंटरनेट यूजर क्लिकबेट पत्रकारिता के उस व्यामोह में सही और तथ्यात्मक सूचना तक कई बार नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। एक अपरिपक्व मस्तिष्क अनायास ही उस पर विश्वास कर लेता है, और इसका दुष्परिणाम यह होता है समाज में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी और सटीक विश्लेषण परक जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती है। क्लिकबेट पत्रकारिता आपके समय का दुरुपयोग करती है, आपके ध्यान को भंग करती है। क्लिकबेट जर्नलिज्म आप में एक निराश भाव को पैदा करती है। क्लिकबेट पत्रकारिता के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? निश्चय ही इसका प्रमुख कारण है आर्थिक। जितने अधिक लोग उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, जितना अधिक ट्रैफिक उस पर बढ़ेगा, उस वेबसाइट को उतनी ही अधिक आमदनी होगी। इसलिए एक व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में क्लिकबेट पत्रकारिता का विकास हुआ है। जब भी कभी पाठक को यह समझ में आ जाएगा तो वो फिर उन वेबसाइट पर विश्वास करना छोड़ देगा। इसलिए इस तरह की रणनीतियां
बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं होती है। हम इस तरह की सामग्री से बचने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम ये भी होता है कि उस वेबसाइट की विश्वसनीयता भी धीरे धीरे घटती चली जाती है। क्लिकबेट पत्रकारिता की रोकथाम के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। क्लिकबेट पत्रकारिता में प्रायः जो मशहूर हस्तियां हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाता है, उनके बारे में अपुष्ट आरोपों को आधार बना करके शीर्षक रचे जाते हैं, उन्हें पुख्ता स्रोतों से कंफर्म नहीं किया जाता है, और इस प्रकार एक पारस्परिक होड़ में हम उन हस्तियों को अपमानित भी करते हैं, उनकी मानहानि भी करते हैं। इसलिए क्लिकबेट पत्रकारिता से हमें सजग और सतर्क रहना होगा। सटीकता और सत्यता की कीमत पर सस्ते क्लिकों का पीछा करने से विश्वसनीय पत्रकारिता का अवमूल्यन होता है। पश्चिमी देशों में चेकबुक पत्रकारिता का चलन था। जब हम अपने स्रोत को पैसा देते हैं लेकिन समाचारों की प्रामाणिकता को आश्वस्त नहीं करते हैं, प्रमुख स्रोतों से, विश्वसनीय स्रोतों से उसे कंफर्म नहीं करते हैं, केवल अपने स्रोतों को भुगतान करने की प्रवृत्ति या ब्रिटेन की वह टेबलॉइड संस्कृति या पीठ पत्रकारिता का चलन, यह सब एक दूसरे के पर्याय ही तो हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता में अपने वेब पेज पर व्यूज बढ़ाने की यह प्रवृत्ति अंततः पत्रकारिता के लिए आतंक होगी। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि क्या पत्रकारिता की मृत्यु हो रही है। हालांकि मुझे लगता है यह प्रश्न वैसा ही है जैसा जब टेलीविजन आया था तब हमने यह प्रश्न उठाया था कि क्या पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी। हर नया प्रयोग, हर नई तकनीक अपने साथ नए खतरे और नई चुनौतियां लेकर के आती है। YouTube पर CTR क्लिक थ्रू रेट्स ध्यान खींचने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण शीर्षक लगाने लगे हैं, भ्रामक शीर्षक लगाने लगे हैं, और जब हम उस पूरे वीडियो को सुनते हैं तो देखते हैं कि उन शीर्षकों से उस वीडियो का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। YouTube पर शीर्षकों के साथ साथ थंबनेल भी ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो दर्शक वहां पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए और अपना अधिकतम समय उनके उस YouTube पर व्यतीत करने के लिए बाध्य हो। दूसरी ओर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे एल्गोरिदम लागू करने की योजनाएं शुरू की हैं जहां वो क्लिक बैट पत्रकारिता को कहीं फिल्टर कर सके और अपने दर्शक और पाठक को इस नुकसान से बचाने की दिशा में एक रणनीति तैयार कर सके। कई बार क्लिक बैट हेडलाइंस और लेजिटिमेट हेडलाइन, इन दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्लिक बैट हेडलाइंस कई बार, यदि इसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाए कि हम किसी घटना विशेष के बारे में एक ऐसा शीर्षक लगाएं जो उस रहस्य की ओर संकेत मात्र करे और उस स्टोरी को पढ़ते समय उसकी पूरी कथा प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त हो सके, तो शायद उसकी पठनीयता में और अधिक वृद्धि हो सकती है। अब एक ऐसा दौर आ गया है जब हम स्वयं कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। पहले हम केवल मीडिया पर निर्भर थे, लेकिन इस ऑनलाइन दौर में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट कर सकने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के संपादकीय नियंत्रण के अभाव में ये सारी समस्याएं और चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। इन्हीं मुसेटो को गॉडफादर ऑफ क्लिकबेट कहा जाता है। 1983 में उन्होंने अपनी एक स्टोरी का शीर्षक दिया, टॉपलेस बार में हेडलेस बॉडी, और जब उस स्टोरी को पढ़ा तो उसमें ना टॉपलेस की बात थी ना हेडलेस का उल्लेख था। इस प्रकार
आने वाले समय में इस तरह के शीर्षकों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और क्लिकबेट पत्रकारिता अपने पूरे उफान पर आ गई। निश्चय ही आज के दौर में जब क्लिक महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं, तथ्य गौण होते चले जा रहे हैं, तो पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। एक और चुनौती है कि अब सोशल मीडिया पर मुख्य धारा के मीडिया की निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। यदि हम मुख्य धारा के समाचार पत्रों के वेब पेजेस को देखें तो वहां भी कई बार हमें यह महसूस होता है कि उन समाचार पत्रों ने भी अपने वेब पृष्ठों पर इस तरह की सामग्री का बहुतायत से प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे शीर्षक लगाने लगे हैं जो किसी भी दृष्टि से पत्रकारिता के उन नैतिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य है पाठकों के क्लिक प्राप्त करना, और इसीलिए वो शीर्षक, उनकी भाषा, उनकी डिजाइन जिस तरह से की गई है वो आने वाले समय में प्रामाणिक और विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए एक चुनौती है। तो कम से कम हम मुख्य धारा के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे तो ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपने वेब पृष्ठों पर इस तरह की प्रवृत्ति से बचें, केवल आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए उसका कोई और विकल्प तैयार करें, क्लिकबेट जर्नलिज्म को उसका आधार नहीं बनाएं। प्रश्न है क्लिकबेट पत्रकारिता से हम कैसे बचें। आजकल मीडिया लिटरेसी की बात की जा रही है, मीडिया साक्षरता की बात की जा रही है। मुझे लगता है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पत्रकारिता के साथ साथ अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं, दूसरे डिसिप्लिन के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी मीडिया लिटरेसी के बारे में सेंसिटाइज करना पड़ेगा ताकि वो इस तरह की प्रवृत्ति को समझ सकें। क्योंकि हम सब मीडिया के उपभोक्ता हो गए हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम सही और गलत का फर्क कर सकें, क्लिकबेट डिजाइन और हेडिंग्स को हम समझ सके, स्पष्ट जानकारी हमें मिल सके, वो जो वेबसाइट है उनको हम देखें तो हम ये भी जानने की कोशिश करें कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है, कितनी पारदर्शी है, उसमें परोसी जाने वाली या उसमें अपलोड की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता किस तरह की है, उसमें रिपोर्टिंग की कितनी डेप्थ है, कितनी शोधपूर्ण सामग्री प्रकाशित हो रही है, जो सामग्री है उसमें किस तरह के लेखक जुड़े हैं, उनकी बायलाइंस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, भाषा किस तरह की है, भ्रामक भाषा तो नहीं है, व्याकरण की अशुद्धियां तो नहीं है, विश्लेषण में कितनी मौलिकता है, शोध है, और साथ ही क्रॉस चेक करें, दूसरे रेफरेंसेस भी देखें, मुख्य धारा की मीडिया से कहीं उसकी तुलना करें, हम ये जानने की कोशिश करें कि वो सामग्री केवल हिट्स लेने के लिए हो रही है या समाज में कहीं हम एक विचार देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि पत्रकारिता में स्टोरी पर क्लिक करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी तो निश्चय ही ये मुख्य धारा के मीडिया या एक विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें अपने पाठकों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो क्लिक बेट सामग्री को पहचान सकें और इससे बच सकें। मीडिया संगठनों से भी अपेक्षा है कि वे अपनी नीतियों में बदलाव करें, वे बजाय प्रलोभन अपनी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करें। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज किया जाए कि वे अपनी नीतियों में सुधार करें, वे ऐसे एल्गोरिदम विकसित करें जो क्लिकबेट सामग्री को पहचानने में प्राथमिकता से कोशिश कर सके और साथ ही सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने के लिए मीडिया के साथ मिलकर हम संगठित रूप से कार्य कर सकें। जो प्रोफेशनल मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी आगे आना होगा और नए युग की इन चुनौतियों के बारे में ट्रेंड या प्रशिक्षित करना होगा। पत्रकारिता केवल सनसनी नहीं है, सेंसेशनलिज्म नहीं है, पत्रकारिता समाज में निष्पक्ष, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का एक माध्यम है। इसका उद्देश्य मात्र ट्रैफिक बढ़ाना नहीं है। क्लिकबेट पत्रकारिता
एक गंभीर मुद्दा है आज के इस डिजिटल युग में तेजी से बढ़ता हुआ। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना है, यह हमें समझना होगा, क्योंकि इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम आह्वान करते हैं कि हम सब मिलकर के इस चुनौती से निपटें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक अनुरोध, हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। जय हिंद, जय भारत।